जाओ दोस्तों, आज हम फिर आ रहे हैं एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं फूड कस्टर्ड। जब भी खाने के बाद मीठा और ठंडा ठंडा खाने का मन हो तो फ्रूट कस्टर्ड बना करके खाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है और बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो चलो शुरू करें। इसके लिए हमने आधा लीटर फुल क्रीम दूध लिया है, चाहे गाय का भी ले सकते हैं अगर नहीं हो तो, पर फुल क्रीम से टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। और ये लिया है इस चम्मच से 3 चम्मच कस्टर्ड पाउडर है, ये वनीला फ्लेवर का ही लें तो ज़्यादा अच्छा है, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, इजी में मिल जाता है ये बाज़ार में। और ये 4 टेबल स्पून हमने शुगर लिया है, शुगर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जैसे पिस्ता है, काजू है, बादाम है, इनको बारीक काट लिया है। इसके अलावा हमने थोड़े से फ्रूट्स लिए हैं जो हमें मिल गए बाज़ार में, जैसे पपीता, अनार, केला, सेब और ये अंगूर। अंगूर ग्रीन वाले मुझे नहीं मिले तो मैंने इस टाइप के अंगूर लिए हैं और इनमें बीज थे जो बीज निकाल के काम में लिए हैं। इसके अलावा जो मनपसंद फ्रूट है वो इसमें ले सकते हैं आप, एक तरबूज को छोड़ करके, क्योंकि तरबूज में पानी ज़्यादा होता है तो वो इसको पानी पानी पतला कर देता है ज़्यादा। तो बाकी और जो हम चाहें, जैसे हमें पसंद हो वो फ्रूट हम ले सकते हैं। तो चलो आओ बनाना शुरू करें। ये दूध हमने गर्म करने रख दिया है, थोड़ा सा हम इसको पहले इस तरह से चलाते हुए गर्म कर लेंगे। स्टार्टिंग में गैस की फ्लेम तेज रखें और बाद में जब हम कस्टर्ड डालेंगे उसके बाद हम मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे, क्योंकि इसका नीचे लगने का डर होता है, चिपकना नहीं चाहिए। इसके लिए हमेशा भारी पैंदे का बर्तन लें और कंटिन्यू चलाते रहें। दूध हमारा थोड़ा थोड़ा गर्म होने लगा है, उससे पहले हम ये जो कस्टर्ड पाउडर था हमारा, इसमें थोड़ा सा दूध डाल लिया था मैंने, अलग से रख लिया था ठंडा दूध, ठंडा दूध डाल के और इसको बराबर चला लिया है इस तरह से, नहीं तो ये नीचे जम जाएगा। और अब हम इसको जैसे ही दूध थोड़ा थोड़ा गर्म होने लगे, इतना कि बस उंगली दी जा सके, उसके बाद हम इसमें इसको डालना शुरू कर देंगे, और नहीं तो फिर गांठे पड़ेंगी। थोड़ा सा डालेंगे और चलाते जाएंगे, फिर डालेंगे, फिर चलाते जाएंगे, रोकेंगे नहीं। इसके डालने के बाद हम बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे और इसको भी इस तरह से हिला लेंगे, क्योंकि नीचे जमता है। इसमें मेन बात ये ही है, इसका बेस बनाना ही है। अगर ये हमारा अच्छा बन गया तो बहुत टेस्टी लगता है खाने में कस्टर्ड, और इसमें थोड़ा सा भी लग गया नीचे तो पूरा मज़ा ख़राब हो जाता है कस्टर्ड का। देखिए गाढ़ा होने लग गया है। सबसे मेन बात इसमें कस्टर्ड का मेज़रमेंट प्रॉपर होना चाहिए। जैसे मैंने आधा किलो दूध लिया और उसमें मैंने आपको बताया 3 टीस्पून, यानी कि जो घर में चम्मच हम यूज़ करते हैं बिल्कुल वो बैलेंस करते हो, ऐसे नहीं कि ऊपर तक भर भर के लिए चम्मच, नहीं बिल्कुल ऐसे फ्लैट करके इस तरह से 3 चम्मच लिए और वही 1 टेबल स्पून कहलाता है। तो आधा किलो में 1 टेबल स्पून सफिशेंट हो जाता है, और नहीं तो ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो भी खाने में अच्छा नहीं लगेगा, और पतला रहेगा तो भी इतना अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा सा गाढ़ा तो अभी ये होगा क्योंकि फ्रूट डालने के बाद पतला हो जाता है। वनीला फ्लेवर वाला कस्टर्ड बहुत ही खाने में अच्छा होता है। बस इसका पकने का प्रोसीजर प्रॉपर होना चाहिए। कई बार होता है कि कहते हैं कि महक आ रही है, कच्चा कच्चा सा लग रहा है, बस वो थोड़ा सा बनाने में कहीं ना कहीं चूक हो जाती है हमसे, तब वो ऐसा लगता है। बाकी जब इस तरह से बना के खाएंगे ना आप, मेरी वीडियो को बिना स्किप करे देखेंगे एंड तक और इस तरह से बना के खाएंगे तो कहेंगे कि कितना अच्छा लगता है खाने में। देखिए इसमें अब उबाले आने लग गए हैं और मैंने चलाना 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं किया है। जब उबाले आने लग जाएं तो उस टाइम में हम अपनी चीनी इसके अंदर डाल देंगे। चीनी इससे थोड़ी कम या ज़्यादा ली जा सकती है, वैसे तो मीठा ही अच्छा लगता है कस्टर्ड। देखिए ये जब इस पर चिपकने लग जाए तो समझिए कि ये हमारा बस पकने ही वाला है। इसे इस तरह से साइड से भी चलाते जाएं, बिल्कुल भी मलाई ना जमने दें। अभी मैं इसमें आपको एक चीज़ और बताऊंगी जो इसके टेक्सचर को बिल्कुल एकदम क्रीमी कर देगा, और ये खाने में मुंह में ऐसे लगेगा जाते हुए वाह कितना टेस्टी है। तो उसके लिए आप वीडियो को प्रॉपर देखते रहिए। देखिए जब इस तरह से बुलबुले आने लग जाएं अच्छे से, तो और ये इस तरह से चिपकने लग जाए, तो समझिए
हमारा कस्टर्ड बिल्कुल तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। और हमने एक मेन चीज़ आपको कहा था ना, तो ये इलायची पाउडर जो इसकी महक को बढ़ा करके इसके स्वाद को बहुत दुगना कर देता है, इसको बारीक पीसी हुई लें, मेरे पास थोड़ी मोटी थी। और एक चीज़ और है जो इसके टेक्सचर को बिल्कुल क्रीमी बनाती है, ये मलाई थी मेरे पास, घर की मलाई, और मैंने इसको व्हिप करके लिया है ताकि बिल्कुल क्रीमी हो जाए। ये इसको डालेंगे और चलाते जाएंगे। बस अब हम गैस को बंद कर देंगे और इस तरह से हिलाते हुए इसको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद बाउल में ट्रांसफ़र करके 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं। उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। देखिए 2 घंटे हो चुके हैं फ्रिज में रख के, अब हम इसको खोल लेते हैं। ये मैंने इसलिए रखा था कि इस पर मलाई ना जमे। अगर हम इसको ऐसे फ्रिज में रख देते तो इसके ऊपर मोटी मलाई जम जाती। देखो अभी भी हल्का सा है, अगर अभी तो ये हल्की सी लेयर है, और अगर ये नहीं होता ना तो पूरी मोटी मलाई जम जाती है, फिर वो खाने में अच्छी नहीं लगती। आपके पास अगर फॉयल पेपर ना हो तो पॉलीथीन भी ढक सकते हैं, या फिर कोई टाइट ढक्कन ले सकते हैं, है ना, इस तरह से ढक करके रखें। और उससे पहले मैंने इसको सूप वाली छलनी में छान लिया था। उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगी कि कई बार क्या होता है कि कितना भी हम चलाते रहते हैं इसमें गांठें पड़ जाती हैं, तो छलनी में छानने से क्या है, बिल्कुल स्मूथी हो जाता है। देखो मैंने इतना बिल्कुल केयरफुली किया, पर वो मलाई डाली थी ना, तो मलाई की वजह से देखो ये निकला इतना। तो इसको हमेशा सूप वाली छलनी में छान के ही ठंडा होने के लिए रखें। देखिए ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है, अब हम इसमें ये फ्रूट डाल देते हैं। और एक चीज़ और, मैंने तो आपको दिखाना था बना के, इसलिए फ्रूट पहले काट के रखे। फ्रूट कभी भी पहले काट के ना रखें, क्योंकि कुछ फ्रूट पहले रख के काले हो जाते हैं, तो जब ये बन जाए ना ठंडा होने के लिए रखें, उस बीच में अपनी तैयारी कर लें। अब हम इसमें फ्रूट डाल देते हैं। मैं थोड़े थोड़े फ्रूट ऊपर से गार्निश करने के लिए बचा के रखूंगी, सारे नहीं डालूंगी। इसी तरह से सारे फ्रूट्स हम डाल देंगे, और जो आपको पसंद हो फ्रूट्स वो लें। अनारदाने थोड़े से ज़्यादा बचा के रखूँगी मैं। अब इसको हम मिला लेंगे अच्छे से। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में ही, कितना स्वीट स्वीट और बिल्कुल ठंडा है, एकदम ठंडा। इसका खाने का टेस्ट ठंडे के साथ ही है। अगर हम इसको हड़बड़ी में गरम पेश करेंगे ना तो अच्छा नहीं लगेगा। अगर ज़्यादा ही हड़बड़ी आपको हो ना तो फ्रीज़र में रख सकते हैं आप इसको, पर बस यही है, फ्रीज़र में यही ध्यान रखना है कि इसके ऊपर मलाई ना जमने पाए। इसको पैक करने का अच्छे से ध्यान रखना है। अब हम ये ड्राई फ्रूट्स हैं, थोड़े थोड़े ये भी बचा लेंगे क्योंकि ऊपर से अच्छे लगते हैं। वैसे तो इसके अंदर जाएंगे जो वो भी खाने में आएंगे, पर ऊपर से सर्व करने में थोड़े अच्छे लगते हैं। फ्रूट्स अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं कम या ज़्यादा। चलो अब सर्व कर लेते हैं। ये तो तैयार हो गया, पर अब थोड़ा सा अलग बाउल में सर्व कर लेते हैं। कस्टर्ड खाने के लिए एकदम रेडी है, डेकोरेट होके कितना अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि एकदम टूट पड़ो। इसी तरह से आप भी बनाइए और मेरी रेसिपी को इसी तरह से प्यार देते रहिए। थैंक यू।